नमस्कार दर्शक बंधु मु संबित महांती आम यूट्यूब चैनल आम चाषे आपण मान स्वागत करुचार अगणित चाषी भाई मान जन्माष्टमी हार्दिक अभिनंदन जनाउछि। चाष चाष जदि भल हुए ताले चाषीर उन्नति हेब, चाषीर उन्नति हेले देशर प्रगति हेब। जदि चाष भल हिसाबे करा जाए, तार सठिक पद्धति अवलम्बन करी चाष करा जाए, ताहेले लाभ सुनिश्चित हेब। एही सठिक पद्धति को जानिबा पई आमे ए वीडियो बनेछु। अल्प जगार आपण चाष करबा को हेले आपण को चाष करिवे, अदा ओ हळदी चाष करी आपण लाभवान हे पारिबे। अदा ओ हळदी चाष किपरि करिवे आज आम वीडियो को देखि आपण जानि पारिबे। जदि आम वीडियो को आपण को भल लागिला लाइक करिवे, सब्सक्राइब करिवे ओ अन्य मानन को शेयर करिवे। नमस्कार। दैनंदिन जीवन रे अदा और हलदीर अनेक आवश्यकता रही। आम प्रत्येक खाद्य एगुड़िकर व्यवहार होता है। अदा और हलदी औषधीय गुण मध्य रही। एसबू दृष्टि अदा और हलदी चाषर आदृति दिनकु दिन बढ़िबारे लगी। अर्थकारी मसला जातीय फसल मध्य अदा और हलदी हेउछि अन्यतम। आम राज्य में प्राय सब स्थान चाष करा जाए। आज प्रथम आम जानिबा अदा चाषर विभिन्न प्रणाली और दिग विषय। अदा चाष पई जलसेचित जमीर आवश्यकता रही थाए। बर्षा दिने एहाकु अण जलसेचित जमीरे मध्य चाष करा जाए थाए। बालिया मटाळ दोरसा माटी रे अदा फसल भल होई थाए। एहाकु चाष करिबा पूर्वरु माटीर परीक्षा करै नबा उचित। अदा चाष पई माटीर अम्लता 5.5% रु 6.5% रहिबा आवश्यक। बर्षा दिने अदा चाष करिबा पूर्वरु प्रथमे जमीकु 5-6 ओड़ चाष करिदेबा दरकार, जहाद्वारा माटी भल भावरे गुंड होई जाए। माटी जेते हालुका हेब फसल सेते भल हेब। शेष ओड़ चाष पूर्वरु 6-7 टन सुखिला गोबर खत माटीरे मिसा जाय थाए। परे 1 मीटर ओसार 15 सेंटीमीटर उच्च और सुविधा अनुसारे लंब रखी पटाली प्रस्तुत करा जाए। प्रति पटाली मध्यरे 30 सेंटीमीटर दूरतरे पानी जीवा पाई नाल रखा जाए। एक हेक्टर जमी पाई 15-20 क्विंटल बिहन अदाखंड आवश्यक। एगुड़ी को 2-3 आखि थाए, प्राय 15-20 ग्राम ओजन रखी कटा जाए थाए। बिहन लगेबा पूर्वरु अदा खंडगुड़ी को बाभिस्टिन एवं मालाथियान मिश्रित पानी रे अध घंटाए बुड़ाई परे छाई रे सुखा जाए थाए। अदा लगेला परे नड़ा किंबा गछर डाल को काटी घोड़ेई दिया जाए। एहा परे पटाली रे सुखिला गोबर खत और तेल पीड़िया प्रयोग करा जाए थाए। एहा छड़ा हेक्टर पिछा 10 क्विंटल निंब पीड़िया प्रयोग कले फसल रे रोग पोक लागि न थाए। अदा लगेबार 8 मास परे अमल करा जाए थाए। परे एहा को विभिन्न उपाय रे बिक्री करी चासी भल रोजगार करी थाए। अदा परी हलदी चाष मध्य लाभदायक फसल। अदा और हलदीर चाष प्रणाली प्राय समान। शेष ओड़ चाष आगर जमीन हेक्टर प्रति 12 टन सुखिला खत, 60 केजी जवक्षारजान, 30 केजी फसफरस और 90 केजी पटाश सार दिया जाए थाए। एक हेक्टर जमी पाई 25 क्विंटल बिहन आवश्यक पड़ी थाए। 20-25 ग्राम ओजनर हलदी मुंडा को गोमूत्र गोबर और पानी रे गोलेई विशोधन परे छाई रे सुखाई लगा जाय थाए। हलदी लगेबार 45 दिन रे कोड़ा खोसा करा जाय। आवश्यक मुताबक जवक्षार जान सार प्रयोग करा जाय थाए।
ପୁଣି ଫସଲକୁ 90 ଦିନ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏକ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ 25 କିଲୋଗ୍ରାମ ଜୀବାଣୁ କଲଚର ବ୍ୟବହାର କଲେ ରାସାୟନିକ ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଖତ, ପିଡ଼ିଆ, ହାଡ଼ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଜୀବାଣୁ କଲଚର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଅଦା ଭଳି ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ 8-9 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅମଳ ହୁଏ। ମାଟିରୁ ଖୋଳିବା ପରେ କଞ୍ଚା ହଳଦୀଗୁଡ଼ିକରୁ ଚେର କାଟି ପାଣିରେ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ। ପରେ ଗରମ ପାଣିରେ 1 ଘଣ୍ଟା ସିଝାଯାଏ। ଭଲ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏହି ପାଣିରେ 1 କେଜିକୁ 1 ଗ୍ରାମ ଚୂନ ବା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦିଆଯାଇ ସିଝାଯାଏ। ସିଝାଇବା ପରେ ଏହି ହଳଦୀଗୁଡ଼ିକୁ 7-8 ଦିନ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଏ। ଶୁଖିଲା ପରେ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହଳଦୀକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ବିକ୍ରି ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଏ।